आजकल गर्मियों का मौसम चल रहा है और पूरे देश में भयंकर गर्मी पड़ रही है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में। तो इस मौसम में जो एक्वेरिस्ट्स हैं, जो हॉबिस्ट्स हैं, उनको सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है वो होता है अक्वेरियम के पानी में तापमान का बढ़ जाना, अक्वेरियम के पानी का गर्म हो जाना। तो आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसडी शर्मा और आप देख रहे हैं एक्वाटेकियम। जो लोग गर्म इलाकों में रहने वाले हैं, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, उन्होंने इस प्रॉब्लम को जरूर फेस किया होगा कि स्पेशली मई और जून के महीने में पानी का टेम्परेचर जो है वो एकदम से राइज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा गर्म होता है। वो हमेशा इसी बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि मछलियों के लिए फेवरेबल टेम्परेचर कैसे मेंटेन किया जाए, स्पेशली कोल्ड वाटर फिशेस के लिए। वो कई तरीके आजमाते हैं अपने पानी को ठंडा करने के लिए, लेकिन मौसम इतना गर्म होता है कि टेम्परेचर ना चाहते हुए भी राइज होता रहता है, बढ़ता रहता है, और कई बार तो इसका खामियाजा मछलियों को भुगतना पड़ता है अपनी जान देकर। सबसे पहले बात करते हैं कि अक्वेरियम का पानी आखिर गर्म क्यों हो जाता है। देखिए, पानी हमेशा तभी गर्म होता है जब उसके अंदर ऑक्सीजन कम हो जाए, उसमें सर्कुलेशन जो है वो कम हो जाए, उसमें हलचल होनी बंद हो जाए। खासकर जब अक्वेरियम के पानी में उसकी सतह पर एजिटेशन होना बंद हो जाए, हलचल होनी बंद हो जाए या कम हो जाए, तो पानी का टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाता है, पानी गर्म होना शुरू हो जाता है। अब कुछ लोग मेरी इस बात से सहमत नहीं होंगे, तो इस बात को मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूंगा। देखिए, जो नेचर में जितनी भी नदियां हैं या बहते हुए जितने भी पानी हैं, उनमें पानी हमेशा ठंडा रहता है। उसका रीजन यही है कि बहते हुए पानी में उसकी सरफेस पे टेंशन रहती है, उसकी सरफेस हमेशा हिलती रहती है। पानी जो है वो हिलजुल में रहता है, गतिमान रहता है, उस वजह से पानी में ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है और पानी हमेशा ठंडा रहता है। अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँ, तो जब भी आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो कि आप किसी हिल स्टेशन पर गए हैं जहां पर कोई बहता हुआ पानी का स्रोत है या नदी है, तो आपने महसूस किया होगा कि वो पानी ठंडा होता है, भले ही आप गर्मी के मौसम में वहां क्यों न गए। फॉर एग्जाम्पल, हरिद्वार का एग्जाम्पल लेते हैं। हरिद्वार में गंगा नदी बहती है और हमेशा गतिमान रहती है, बहती रहती है, उसके पानी में बहुत हलचल होती है और ऊपर से उसकी सरफेस जो है वो हमेशा हिलती रहती है, पानी हमेशा गतिमान रहता है। तो वो पानी हमेशा आपको ठंडा ही मिलेगा। सर्दियों में आप जाएंगे तो वो ठंडा तो होगा ही होगा, लेकिन आप चाहे मई और जून के महीने में भी हरिद्वार जाएं, तब भी आपको वो पानी ठंडा ही मिलेगा, क्योंकि उसमें हलचल है। ये मेन एक बात समझने की है कि अगर आपको अपने अक्वेरियम के पानी को ठंडा रखना है और उसे प्रॉपरली उसके जो हैबिटेंट हैं, रहने वाले जीव जंतु हैं, उनके लायक टेम्परेचर मेंटेन करना है, तो आपको उसकी सरफेस पे एजिटेशन करनी होगी, उसकी सरफेस पे हलचल करनी होगी और उसमें ऑक्सीजन जो है वो प्रचुर मात्रा में भरनी होगी, तभी आप ये काम कर पाएंगे।
मुझे बहुत से कमेंट आते हैं कि हमारे एक्वेरियम का पानी जो है बहुत ज्यादा गर्म हो गया है, हमने गोल्ड फिश रखी हुई है, गोल्ड फिश को जो टेम्परेचर है वो नॉर्मली 22 से 24 के बीच में चाहिए होता है, लेकिन हमारे एक्वेरियम का टेम्परेचर जो है वो 28 से 32 के बीच में रह रहा है, और हम उसे रिड्यूस करने में नाकामयाब हो रहे हैं, तो कोई ना कोई सोल्यूशन बताइए। तो आज का वीडियो स्पेशली इसी टॉपिक को लेकर मैंने बनाया, क्योंकि मेरे पास बहुत दिनों से इस बात के कमेंट आ रहे थे। देखिए जो ये सही बात है कि अगर आपने ठंडे पानी की मछली रखी हुई है जिसको कि 22 से 24 के बीच में टेम्परेचर चाहिए नॉर्मली, उसको अगर आप रेगुलरली 28 से 32 के बीच में टेम्परेचर देंगे तो वो एक तरह से स्ट्रेस में आती है और उसे प्रॉब्लम तो होती है। हाँ, अगर आपने ट्रॉपिकल फिश रखी हुई है जिसका आइडियल टेम्परेचर 25 डिग्री है और अगर उसको टेम्परेचर 28 मिल रहा है या 30 मिल रहा है, तब भी हालांकि वो ज्यादा है लेकिन वो कुछ हद तक उसको टॉलरेंट कर सकती है क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रॉपिकल फिश है। तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनके जरिए हम अपने एक्वेरियम के पानी का टेम्परेचर जो है उसे लो कर सकते हैं, कुछ हद तक कह सकते हैं कि 2 या 3 डिग्री सेल्सियस तक। अगर इतना भी हम मेंटेन कर पाए तो बहुत फर्क पड़ता है इस बात से। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि वो टिप्स एंड ट्रिक्स कौन कौन से हैं। एयर पंप का प्रयोग करके हम कुछ हद तक अपने एक्वेरियम के पानी के टेम्परेचर को कम कर सकते हैं। एयर पंप का मेन काम पानी में हवा का फ्लो बढ़ाना होता है। ऐसा करने के लिए हम एयर पंप से एक पाइप के द्वारा एक्वेरियम में हवा छोड़ते हैं और वो हवा जो है वो बबल्स के रूप में निकलती है और नीचे से ऊपर की ओर ट्रेवल करती है और ऊपर जाकर सरफेस को तोड़ती है। ऐसा करने के लिए हम पाइप के आगे कई चीजों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि एक छोटे राउंड एयर डिफ्यूजर्स आते हैं, अगर आप उन्हें प्रयोग करना चाहते हैं तो एक से ज्यादा एयर डिफ्यूजर्स का प्रयोग करें ताकि पानी में हलचल ज्यादा हो और उसका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे। उसके अलावा अगर लॉन्ग डिफ्यूजर रॉड्स का प्रयोग कर रहे हैं तो आपकी रॉड इतनी लंबी होनी चाहिए कि वो टैंक की लंबाई से थोड़ी छोटी हो और सरफेस को पूरी तरह से एजिटेट कर सके। तीसरे नंबर पर हम कुछ टॉयज ऐसे चूज कर सकते हैं जिनमें ऑलरेडी पहले से डिफ्यूजर लगा होता है, तो उसको सिर्फ एक पाइप का कनेक्शन देकर और एयर पंप्स की सहायता से हम उसमें से भी बबल्स क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन है वो स्पंज फिल्टर का प्रयोग है। एरेशन के साथ अगर आप फिल्ट्रेशन की क्वालिटी भी बढ़ाना चाहते हैं तो आप बायो स्पंज फिल्टर्स जो होते हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। उनको चलाने के लिए एयर पंप का ही प्रयोग किया जाता है। अगर आप उनका प्रयोग करते हैं तो उसके जरिए आप फिल्ट्रेशन भी कर पाएंगे और पानी में बबल्स भी क्रिएट कर पाएंगे, एयर का फ्लो भी बढ़ा पाएंगे, जिससे कि पानी का टेम्परेचर जो है वो काफी हद तक कम रहेगा और मेंटेन रहेगा। कुछ लोग पानी ठंडा करने के लिए फ्रीजर में से बर्फ निकालकर डायरेक्ट एक्वेरियम में डालते हैं और उन्हें लगता है कि ऐसा करके वो बहुत जल्दी से पानी का टेम्परेचर जो है वो ठंडा कर लेंगे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। इसका आपकी मछलियों पर बहुत गलत असर पड़ता है। वो हमेशा स्ट्रेस में रहना शुरू हो सकती हैं, बीमार रहना शुरू कर सकती हैं और हो सकता है कि वो मर भी जाएं। अब कुछ लोग मेरी इस बात से यहाँ भी सहमत नहीं होंगे तो उसका मैं आपको वैज्ञानिक कारण बता देता हूं। जब भी आप फ्रीजर में से बर्फ निकालकर डायरेक्ट उसे अपने एक्वेरियम के पानी में डालते हैं तो पानी आपका पहले से गर्म है, बर्फ बिल्कुल ठंडी है। आप जानते हैं बर्फ गर्म चीज के संपर्क में आते ही पिघलना शुरू करती है। आप जैसे ही उसे एक्वेरियम के पानी में डालेंगे वो पिघलना शुरू करेगी और जैसे जैसे वो पिघलती जाएगी उस ब्लॉक के आसपास एक
पानी ठंडा होता चला जाएगा, यही हमारा पर्पस है। लेकिन वो एरिया जो है वो सिर्फ उस ब्लॉक के आसपास ही रहेगा, टैंक में बाकी जगह पर जहां पर वो ब्लॉक नहीं है वहां पर पानी गर्म ही रहेगा। होगा ये कि जगह जगह ठंडे और गर्म पानी के स्पॉट्स बन जाएंगे, और जब मछली एक जगह से एक सिरे से दूसरे सिरे तक ट्रेवल करेगी तो उसे बार बार इन गर्म और ठंडे स्पॉट्स में से होके गुजरना पड़ेगा। इस तरह मछली जो है वो गर्म सर्द फिनोमिना जो होता है उसका शिकार होगी। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर आप भी एसी से लगातार एकदम धूप में निकलते हैं या धूप से निकलकर एकदम से एसी में जाते हैं तो आपके साथ क्या होता है, आपको गर्म सर्द होता है। सेम वही कंडीशन उस मछली के साथ भी होगी, जब लगातार उसके साथ ऐसा होगा तो वो स्ट्रेस में आएगी और बीमार रहना शुरू होगी। अब आप पूछेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। सिंपल सॉल्यूशन है, अगर आप आइस को बर्फ को यूज करना ही चाहते हैं तो मैं आपको सिंपल सा उसका प्रयोग का फंडा बता देता हूं। हम बर्फ को दो तरह से प्रयोग कर सकते हैं। पहले तरीके में आप फ्रीजर में से बर्फ निकालिए, एक पॉलिथिन ले लीजिए, थोड़ा थिक पॉलिथिन हो, उसमें वो बर्फ डाल दीजिए और उस पॉलिथिन को अच्छी तरह से रबर बैंड लगाकर बंद कर दीजिए। अब वो पॉलिथिन जो है उसके अंदर बर्फ बंद हो गई है, आप उस पॉलिथिन को अपने एक्वेरियम के पानी में फ्लोट कर दीजिए। जब वो ऊपर तैरेगा और उसको हीट मिलनी शुरू होगी तो बर्फ धीरे धीरे पिघलनी शुरू होगी। वो जैसे जैसे पिघलेगी उसके अंदर की जो कूलिंग है वो आपके एक्वेरियम में धीरे धीरे से बढ़नी शुरू होगी, जिसकी वजह से एक्वेरियम में कोई स्पॉट्स जो गर्म और सर्द हॉट कोल्ड स्पॉट्स होते हैं वो नहीं क्रिएट होंगे और वो आप आसानी से एक्वेरियम के पानी को 1 या 2 डिग्री तक कम कर पाएंगे। और जब आपके पॉलीथिन में वो बर्फ जो है वो पिघल जाए और पॉलीथिन का पानी जो है वो गर्म हो जाए तो आप उसे निकालकर रिप्लेस कर सकते हैं। इस तरह से बर्फ जो है वो आपके एक्वेरियम के पानी के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आती है और एक्वेरियम सेफ रहता है। दूसरे तरीके में आप एक बोतल लीजिए, किसी भी तरह की बोतल ले सकते हैं, चाहे वो प्लास्टिक की हो चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर आप कांच की बोतल लेंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव है। रीजन ये है कि कांच जो है वो जल्दी ठंडा होता है और जल्दी गर्म होता है, तो उसमें आप पानी भरिए, उसे फ्रीजर में रख दीजिए और जब बोतल के अंदर का पानी बिल्कुल ठोस हो जाए, बर्फ बन जाए, तो उस बर्फ से जमी हुई बोतल को आप अपने एक्वेरियम के पानी में डाल दीजिए। अब जैसे जैसे वो पानी से बर्फ पिघलना स्टार्ट होगी तो बोतल में से ठंडक जो है वो निकलनी स्टार्ट होगी और एक्वेरियम के पानी को धीरे 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 ठंडा करना शुरू करेगी। अगर बर्फ नहीं जम रही है आपकी बोतल में तो सिंपल सा तरीका मैं आपको बता देता हूं। बोतल में थोड़ा सा गर्म पानी लीजिएगा और उसे रख दीजिएगा। गर्म पानी ठंडे पानी के तुलना में जल्दी बर्फ में तब्दील होता है। अगर आप चिलर्स का प्रयोग करना चाहते हैं, जो कमर्शियल चिलर्स हैं, तो वो भी मार्केट में अवेलेबल हैं, आप डीलर्स से उन्हें परचेज कर सकते हैं, लेकिन उन्हें परचेज करना थोड़ा सा महंगा साबित हो सकता है क्योंकि ये बिजली से चलेंगे और आपका बिजली का बिल जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो मर्जी आपकी है, अगर आप उसे यूज करना चाहें तो इजीली कर सकते हैं। इन सब के अलावा जो मेरा फेवरेट तरीका है वो है DIY स्प्रे बार। आप एक DIY स्प्रे बार बनाकर अपनी एक्वेरियम वाटर सरफेस को बहुत अच्छी तरह से एजिटेट कर सकते हैं, उसमें हलचल पैदा कर सकते हैं। अगर आपको DIY स्प्रे बार के बारे में नहीं पता है या आपको उसे बनाना नहीं आता है तो उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां जा से जाकर वीडियो को देख सकते हैं।
इस स्प्रे बार को हम सर्दी गर्मी किसी भी मौसम में मछलियों को बिना नुकसान पहुंचाए बड़े इजी तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर आपको सर्दी में इसे यूज करना है और आप नहीं चाहते कि पानी ठंडा हो, तो सिंपल आपको एक ही काम करना है कि इसके जो होल्स हैं जहां से पानी बाहर निकल रहा है, जिन छेद में से पानी बाहर निकल रहा है, आपको एक्वेरियम के पानी का लेवल उन होल्स के बराबर रखना है। होल्स में से पानी जब सरफेस पे निकलेगा तो वो उसकी सरफेस को हिलाता रहेगा, लेकिन उसमें ऑक्सीजन तो क्रिएट होगी लेकिन हवा का जो फ्लो होगा वो बहुत कम होगा। इस तरह से पानी कम ठंडा होगा और इस तरह से हम सर्दियों में इसको यूज कर सकते हैं। रही बात गर्मियों की, कि गर्मियों में हम अगर इसको यूज करते हैं तो हमें सिंपल इसका उल्टा करना है। जहां से जिन छेद में से पानी बाहर निकलता है, हमें अपने एक्वेरियम के पानी का लेवल उन छेदों से 1 या 1.5 इंच नीचे रखना है। उससे क्या होगा कि जब भी उन छेदों में से पानी निकलेगा तो वो एक हाइट से होता हुआ एक्वेरियम के पानी की सतह से टकराएगा, जिससे एक झरने की तरह साउंड इफेक्ट भी क्रिएट होगा और झरने की तरह ही पानी में हलचल भी होगी, जिससे कि ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, हवा ज्यादा आएगी और पानी में हलचल भी ज्यादा होगी और उस वजह से पानी जो है वो ठंडा रहेगा। आप खुद देख सकते हैं कि जहां मैं बैठा हुआ हूं इस फिश रूम में बहुत ज्यादा गर्मी है, क्योंकि ये पहली मंजिल पर है, ये फर्स्ट फ्लोर है और दिन में यहां पर इतनी ज्यादा गर्मी होती है कि यहां पर खड़े होना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहां पर मैंने हर एक टैंक में स्प्रे बार का यूज कर रखा है और सबका पानी का लेवल जो है वो मैंने अपनी स्प्रे बार से 1-1.5 इंच नीचे रखा हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब उस वजह से होता क्या है कि पानी ज्यादा ऑक्सीजन लेकर, ज्यादा हवा लेकर जब सरफेस से टकराता है तो उसमें एजिटेशन ज्यादा होती है, हिलजुल ज्यादा होती है और पानी जो है वो ठंडा रहता है। इस सिस्टम को यूज अगर आप करते हैं तो आपको सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है कि आपको रेगुलर बेसिस पे एक्वेरियम के वाटर को टॉप अप करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम स्प्रे बार का यूज करते हैं गर्मियों में और पानी का लेवल स्प्रे बार से कम रखते हैं तो पानी में इवेपोरेशन रेट जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है, उसमें वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वो बहुत तेजी से होती है। तो ये ध्यान रखें कि चाहे डेली बेस पर या एक दिन छोड़कर आप उसमें 1 लीटर या 2 लीटर पानी ऐड करते रहें, ताकि पानी का लेवल जो है वो बरकरार रहे। अपने अपने एक्वेरियम को अपने घर में किसी ऐसे कमरे में लगाया है जहां पर एसी है, या आपने अपने ऑफिस में लगा के रखा है जो कि फुली एसी है, जहां पर एयर कंडीशनर काम कर रहा है, तो वहां पर आपको ये प्रॉब्लम कम देखने को मिलेगी, क्योंकि जब रेगुलर एसी चलता रहता है तो नेचुरली है कमरे का तापमान जो है वो नॉर्मल से थोड़ा कम ही रहता है और उस स्थिति में आपके एक्वेरियम का पानी जो है वो ठंडा ही रहता है। ये ध्यान रखें कि आपका टैंक किसी ऐसी जगह पर प्लेस ना हो जहां पर डायरेक्ट सनलाइट उस पर पड़ रही हो, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट जो है वो भी आपके एक्वेरियम के पानी को गर्म करती है और साथ ही साथ उसमें एल्गी की प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिलेगी। तो आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें। मैं हर वीडियो में बोलता ही हूं कि इसे दूसरों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि वो भी इस इंफॉर्मेशन का फायदा उठा सकें और वो अगर ऐसी गलतियां कर रहे हैं तो वो ना करें। इसके अलावा चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है, और साथ में नोटिफिकेशन बेल है उसे प्रेस करके ऑल की ऑप्शन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में
जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं और उसे पोस्ट करूं तो आपको नोटिफिकेशन बिना किसी रुकावट के मिल सके, क्योंकि मैं आपके लिए अक्सर ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूं। तो मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।